8 फरवरी को दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। कांग्रेस इस बार जोरों शोरों से चुनाव प्रचार कर रही है। विश्वास नगर से कांग्रेस के प्रत्याशी गुरुचरण सिंह राजू ने अपने इलाके में जनसभा को संबोधित किया, जिसमें अभिनेता रंजीत सिंह और कांग्रेस नेत्री नगमा ने लोगों से कांग्रेस को वोट करने की अपील की। जनसभा के मौके पर गुरुचरण सिंह राजू से बात की हमारे संवाददाता दिवांशु मल्होत्रा ने। कांग्रेस के विश्वास नगर से प्रत्याशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, लगातार प्रचार कर रहे हैं, आज जनसभा भी हुई, कैसा माहौल लग रहा है इलाके में? आपने यहाँ दिखा हुआ आगे कैसा माहौल बना हुआ है, बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, बहुत संपूर्ण इतना मिल रहा है, बहुमत मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इसका मैं जवाब नहीं बता नहीं सकता आपको। बहुत समर्थन मिल रहा है लोगों का, इसलिए समर्थन मिल रहा है क्योंकि 15 साल नसीब सिंह जी ने जो कार्य किए, रतन सिंह पवार ने जो क्षेत्र में कार्य किए उसको लोग सराह रहे हैं, क्योंकि पिछले 6 साल के अंदर इन्होंने नर्क बना दिया इन क्षेत्रों को, उसमें काम कोई किया नहीं, दिल्ली सरकार में कोई काम दिल्ली यहाँ पर नहीं हुआ, हमारे जो MLA साहब थे उन्होंने कोई काम नहीं किया, दिल्ली सरकार ने तो हालत ही ख़राब कर दी। 4.5 साल तक तो कहते रहे कोई कि प्रधानमंत्री काम नहीं करने दे रहे, LG साहब काम नहीं करने दे रहे, तो भैया 6 महीने के अंदर लोगों ने जो सोचा कि काम तो किया नहीं है, तो उसके अलावा जितने काम कैसे लोगों पर जाएंगे, तो ना बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, बस फ्री कर दो, तीर्थयात्रा दे दो, अरे भैया इन चीज़ों से थोड़ा होगा। आज हवा के अंदर प्रदूषण की जो मात्रा चल रही है आनंद विहार में सबसे ज़्यादा है। पोल्यूशन के ऊपर क्या किया आपने? कुछ नहीं किया आपने। कौन सा स्कूल बनाया दिल्ली के अंदर? एक स्कूल नहीं बनाया, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया आपने, एक सड़क आपने नहीं बनाई, एक फ्लाईओवर आपने नहीं बनाया, तो क्या कार्य किया दिल्ली के अंदर आपने 5 साल के अंदर? वो जो बजट पैसा था शीला जी दीक्षित जी टाइम पे 3200 करोड़ का बजट था जब उन्होंने काम शुरू किया था 1998 में, और 32,000 करोड़ का बजट था जब उन्होंने छोड़ा था 2013 के अंदर, और आज बजट का बजट जो है वो 63-62 हज़ार करोड़ का बजट है। तो पैसा कहाँ लग रहा है भैया? वो पैसा कहाँ ले गए आप? वो पैसा कहाँ लगाया आपने? कौन सी सड़क पर काम किया? कौन से फ्लाईओवर पर काम किया? कौन से हॉस्पिटल पर काम किया? कहाँ काम किया आपने? कौन जनता का काम किया आपने? जनता के किसके बीच में काम लगा के काम किया? कोई कौन सी कॉलोनी बसाई, कौन सी कच्ची कॉलोनी में काम किया आपने? कुछ काम नहीं किया आपने, सिर्फ बिगलाने का काम किया आपने। और आपके जो कैंडिडेट आ रहे हैं वो किस तरह के कैंडिडेट आप लेकर आए हैं वो ये जनता देख रही है इस बात को। तो इसलिए हमको जो समर्थन मिल रहा है, मैं जहाँ भी जा रहा हूँ लोग याद कर रहे हैं नसीब सिंह जी के 15 साल को, कि जो नसीब सिंह जी ने 15 साल काम किया था और उसको लोग याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। और प्रीतिहार से मैं खुद काउंसलर रहा, मैंने वहाँ काम किया, इसलिए मुझे वहाँ बहुत प्यार मिल रहा है। मैं जनता का धन्यवाद करता हूँ कि इतना प्यार और समर्थन देने के लिए 8 तारीख को मुझे दोबारा से अपर चुनकर लाएंगे और मैं यह क्षेत्र में काम करने का काम करूँ। सर, विश्वास नगर की समस्याओं की बात करें तो ऐसी क्या कुछ समस्याएं हैं कि अगर विधायक बनते हैं तो उन समस्याओं पर फोकस किया जाए? देखिए, जहाँ पर आप खड़े हैं ये एक संजय अमर कॉलोनी है, उस संजय अमर कॉलोनी के अंदर जो कॉलोनी नसीब सिंह जी ने पास कराई थी, उस कॉलोनी के अंदर आज उन्होंने उसको दोबारा से जय क्लस्टर में नाम जुड़वा दिया, इसको यहाँ से लेके ये दूसरी जगह फ्लैट देना चाहते हैं। जो लोग यहाँ बसे हुए हैं, जिन्होंने अपने मेहनत से छोटे छोटे पैसा इकट्ठा करके उसको बनाने जो काम किया है, तो आज उसको तोड़ना ये गरीब आदमी है, दो रुपए इकट्ठा करके इन्होंने छोटा सा अपना आशियाना बनाया है, उस आशियाना को तोड़ने की बात कर रहे हैं। उस आशियाना को नहीं तोड़ना चाहिए, जो चीज़ बन गई है बस गई है उसको यहीं बसाना चाहिए। तो इसलिए मैं ऐसे अनुरोध करूँगा इसको ना छेड़ें, ये कॉलोनी बन चुकी है और नसीब सिंह ने इसको पास कराया था ये कॉलोनी को, तो इस कॉलोनी के अंदर छोटी छोटी समस्या, सीवर लाइन इसमें नहीं है, पानी की लाइन की प्रॉब्लम है, पानी गंदा आ रहा है, यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो अगर दिल्ली के अंदर है, हमारी जिस दिल्ली के अंदर है, वो है पोल्यूशन की। हम एयर प्योरीफाई लगाना चाहते हैं, हम वाटर प्योरीफाई लगाना चाहते हैं, हम वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ये समस्याएं जो जनभूत की समस्या है, हमने छोटा सा एक मैनिफेस्टो तैयार किया है सिर्फ अपनी विधानसभा का, विश्वास नगर विधानसभा का, इसमें हम कार्य करना चाहते हैं, तो ये हमारे कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं। BJP ने भी अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, उसमें कहा है कि 2 रुपये किलो आटा देंगे, बच्चियों को स्कूटी देंगे और साथ साथ ऐसी तमाम चीज़ें हैं। जब केजरीवाल जी फ्री बांट रहे हैं तो इनको भी फ्री बांटना ही है, हम कुछ नहीं बांट रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल, ये कांग्रेस की देन थी। सिलेंडर हमने दिए, गैस के चूल्हे हमने दिए, कांग्रेस ने दिए, तो ये चीज़ें जो हैं जनता भूली नहीं है। BPL कार्ड हमने बनाए थे, आज तुमने चीनी भी बंद कर दी उन्होंने लोग गरीब आदमियों की, तो ये कहाँ ले जाना चाहते हैं गरीबों को? ये कुछ नहीं करना चाहते, सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का स्टैंड है इनका। स्कूटी देंगे तो पहले देते ना भाई, आपकी सरकार तो केंद्र में है, सरकार है तो दे रही चाहिए आपको, नगर निगम में सरकार है उसमें, तो नगर निगम की हालत क्या दिक्कत रखी है वो देखिए ना, उसको ठीक कर दो कम से कम। सब चीज़ें खराब कर दी हैं, सब चीज़ें भ्रष्ट हो चुकी हैं, इसलिए आपसे अनुरोध करते हैं कि दिल्ली को संवारने का काम कीजिए, दिल्ली को बनाने का काम कीजिए, दिल्ली को विकास की तरफ लेके जाइए, दिल्ली को मत बांटिए इस चीज़ों में। कहाँ देखते हैं सर फिलहाल कांग्रेस को, कितनी सीटों की? मैं विश्वास नगर में चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे मालूम है, मुझे यहां समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये सीट हम जीतेंगे। और जो दिल्ली की सीटें हैं वो दिल्ली में 25-30 सीटें कांग्रेस की आज दिखा रहे हैं कुछ लोग कि जीत रहे हैं। मेरी अध्यक्ष जी से बात हुई, सुभाष चोपड़ा जी से, वो बता रहे हैं कि हम 25-30 सीटों 30-35 सीटों पर फाइट में चल रहे हैं।
40 सीटों फाइट में 25-30 सीटें जीतने की उसमें मामला है। तो अभी आने वाले 8 तारीख को पता चलेगा किसको कौन जीतता है, ये जनता किसको समर्थन देती है, ये जनता के ऊपर है। जनता के फैसले का हम इंतजार करेंगे, जनता सर्वोपरि है, जनता जो फैसला करेगी उसको सर्वमान्य होगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिला के अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है और साफ कहना है विश्वास नगर में एक बार फिर कांग्रेस की वापसी होगी। कैमरामैन राजेश कश्यप के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज दिल्ली।